बेसिकली ये क्वेश्चन हुआ डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कहता है एक व्हील है, आपको पता होगा एक व्हील है, अगर व्हील रोटेट करता है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो हर एक पॉइंट का अपना वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट है। ये अभी कहता है कोई पॉइंट है, अगर व्हील रोल कर रहा है तो कोई पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी, पी नाम का पॉइंट है कहाँ, द पॉइंट पी कंसिडर कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे है। हाफ रोटेशन में जब व्हील हाफ रोटेट कर जाएगा, आपको पता है पी पॉइंट जो है वो जब व्हील रोटेट करता है तो पी पॉइंट की अपनी वेलोसिटी होती है, अपनी एक्सलेशन होती है, वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी अपनी वेलोसिटी, अपनी एक्सलेशन होता है और अपना इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आधा रोटेशन के बाद ये कहाँ जाएगा, आधा रोटेशन के बाद ये पॉइंट पी ऊपर आ जाएगा यार, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट पी ऊपर आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस आ जाएगी आधा रोटेशन के बाद, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस दैट इज पॉइंट पी क्या है, हाफ रोटेशन, रेडियस 1 मीटर है। तो रेडियस अगर 1 मीटर है, ठीक है, तो हाफ, हाँ, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट यहाँ आ गया और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट डिस्टेंस इज ये वाला डिस्टेंस हाफ रोटेशन। पूरा रोटेशन होता तो ये डिस्टेंस 2πr होता, तो अभी 2πr नहीं होगा, तो 2πr का आधा मतलब πr, और r की वैल्यू 1 है तो ये डिस्टेंस आ जाएगा पाई मीटर, ठीक है। और ये 1 है तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पाइथागोरस थ्योरम लगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस पाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा पाई स्क्वायर और 4, दैट इज बी ऑप्शन सही है। हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया और ये पहले से रेडियस 1 है, ठीक है। तो रेडियस 1 है तो ये डायमीटर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, क्लियर है।